सो हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज हर्ष। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये हेडफोन क्यों लगाया, तो इसका रीजन है दोस्तों, सो आज हम जो माइक रिव्यू करने वाले हैं इसमें आपको हेडफोन मॉनिटरिंग फीचर भी देखने को मिलता है, और साथ ही साथ मैं बोलना चाहूंगा काफी अमेजिंग माइक है मोनो की तरफ से होने वाला है। और आप देख सकते हैं मैंने हेडफोन इसीलिए लगाया क्योंकि रियल टाइम मॉनिटरिंग काफी ईजी हो जाता है। सिंगर्स हो, पॉडकास्टर हो या फिर यूट्यूबर हो लाइक मी, तो आप इस वीडियो को जरूर से देखते रहिए। इस वीडियो में हम इस माइक के बारे में बात करने वाले हैं, इसमें आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ये माइक आपको अमेजोन पे अराउंड 4000 का देखने को मिल जाता है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या होने वाली है। मैं कोशिश करूंगा इसे रॉ रखने की, एडिट करूंगा तो आपको लिख दूंगा ये एडिटेड है, नहीं एडिट करूंगा तो वो लिख दूंगा कि अनएडिटेड ऑडियो इस समय आ रहा है। तो मैं रियल टाइम इसी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसी के रिव्यू कर रहा हूँ, तो आपको काफ़ी क्लियर आइडिया भी हो जाएगा कि आपको किस टाइप का आउटपुट देखने को मिलने वाला है। अब ये माइक ऐसे तो नहीं आया होगा, एक बॉक्स में आएगा, तो जल्दी से बॉक्स को देख लेते हैं कि बॉक्स में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। सो ऐसा कुछ आपको बॉक्स देखने को मिलने वाला है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फेरी लिखा हुआ है, मैं उनकी तरफ से आता है। इसका जो कोड है ना वो है दोस्तों AU903 USB माइक्रोफोन किट। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें आपको स्टैंड के साथ देखने को मिलता है, आप इसे माउंट भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने इस समय करके रखा हुआ है। अब बॉक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बॉक्स ऐसा कुछ देखने को मिलने वाला है। इसकी प्राइसिंग आपको बॉक्स पे देखने को मिलेगी 10,000 रुपीज, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 10,000 का नहीं, यहाँ पे 4,500 का यहाँ पे आपको अमेजोन पे देखने को मिल जाता है। बॉक्स को खोलते आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक माइक जो कि है हमारा ये मोनो का, ये आपको देखने को मिल जाता है स्टैंड के साथ अटैच्ड। उसके साथ ही साथ यहाँ पे कोई एसेसरीज का बॉक्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको यहाँ पे टाइप सी का केबल देखने को मिलता है। मेरी एक छोटी सी कंप्लेन है यार, थोड़ा सा केबल अगर लेंथ दे दिया होता तो काफी इजी हो जाता है, ये छोटा सा केबल है, आपको मैनेज थोड़ा सा करना पड़ जाएगा, आपको कोई ना कोई एक्सटेंडर जरूर से परचेस करना पड़ जाएगा। अब डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको डिजाइन काफी कॉम्पैक्ट और काफी मजबूत देखने को मिलने वाला है, मेटल का सारा यूज किया गया है। यहाँ पे आपको ग्रिल भी काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है। सो डिजाइन एंड बिल्ड के बारे में तो कोई भी ऐसा कंप्लेन नहीं है, काफी कॉम्पैक्ट है, आप इजी टू कैरी आप इसे समझ सकते हैं। स्टैंड के साथ आता है तो आप बहुत इजीली इसे यूज भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने स्टैंड को आप डीअटैच करके किसी बूम आर्म पे या फिर किसी स्टैंड पे रख सकते हैं, जैसा कि मैंने इस समय लगा के रखा हुआ है। और ये एडजस्टेबल है, यहाँ पे आपको मूवमेंट हो जाती है, तो आप किसी भी बूम आर्म पे लगा के अलग अलग तरीके से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। सामने की साइड यहाँ पे आपको मोनो की ब्रांडिंग दिखेगी, उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे 2 डायल देखने को मिलने वाला है। पहला वाला जो डायल है ना उसके बारे में मैं आपको बता दूं, तो ये आपका जो माइक्रोफोन का सेंसिटिविटी है ना उसका डायल है कि आप इसको कितना घुमाते हैं उससे आपको सेंसिटिविटी चेंजिंग आप कर सकते हैं रियल टाइम में। साथ ही साथ मैं बताऊं तो यहां पे आप अगर इसे क्लिक कर देते हैं तो ये म्यूट हो जाएगा, जैसा कि मैं बताऊं मैंने बोला अब ये म्यूटेड था, अब आवाज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन अब मैं इसे अनम्यूट कर चुका हूँ तो इसलिए आपको आवाज़ आ रही है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे रेड कलर का यहाँ पे इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, छोटा सा एक लाइट है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये म्यूट है। और जैसे ही ग्रीन होता है आप समझ जाइए ये अनम्यूटेड है। जस्ट उसके नीचे आपको एक हेडफोन का डायल देखने को मिलता है, ये आपको कंट्रोल कर सकते हैं, आप हेडफोन में आपको कितनी ऑडियो जानी है, जब भी आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं रियल टाइम में तो आपको हेडफोन में कैसी मॉनिटरिंग का ऑडियो चाहिए वो आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ पीछे के साइड में बात करें तो यहाँ पे आपको एक स्लाइडर देखने को मिलता है जो कि 2 तरह के पैटर्न पे स्लाइड करता है, एक है दोस्तों कार्डियोइड पोलर पैटर्न और एक है ओमनी डायरेक्शनल पोलर पैटर्न, जो कि दोस्तों आप अगर कॉन्फ्रेंस रूम में अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं, हर तरीके से आप लोगों को पीपल को रिकॉर्ड करना है ना, तो आप यहां पे आपको कॉन्फ्रेंस मोड या फिर ओमनी डायरेक्शनल पे आप शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप अगर एक पॉडकास्टिंग कर रहे हैं या फिर मेरे तरह एक अकेला बंदा बोल रहा है ना, तो यहाँ पे आपको कार्डियोइड पोलर पैटर्न को चुनना है। जैसा कि कार्डियोइड पोलर पैटर्न आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा ऑडियो कैप्चर करता है, जो भी पीछे हो रहा है ना वो थोड़ा कम कैप्चर करता है, कैप्चर तो करेगा ही क्योंकि वाइब्रेशन यहाँ से होके जा रही है, लेकिन थोड़ा कम करता है और यहाँ से थोड़ा ज़्यादा करता है। अब रिकॉर्डिंग क्वालिटी के बारे में बोलूँ तो ये जो आप ऑडियो सुन रहे हैं यहाँ पे एक रॉ ऑडियो आपको सुनाई दे रहा है, अभी जो आप सुन रहे थे वो सब एडिटेड था, तो रॉ बताइए आपको कैसा लग रहा है, यहाँ पे आपको किस टाइप का ऑडियो क्वालिटी देखने को मिल रहा है। आई एम श्योर इससे आप और भी बेटर ऑडियो पा सकते हैं, जो भी पॉडकास्टर या सिंगर्स हैं उनको ज़्यादा बेटर नॉलेज होती है, उनके पास ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स होते हैं, तो आप इसी माइक का यूटिलाइजेशन करके ना आप इससे भी अच्छा क्वालिटी निकाल सकते हैं, जो कि मेरा इस समय निकल रहा है। सो एट द एंड में बोलना चाहूँगा, अगर आप इस माइक की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आप एक सिंगर हैं, पॉडकास्टर हैं, पॉडकास्टिंग करते हैं, या फिर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, तो ये माइक काफी आपके लिए एफिशिएंट होने वाला है। गेमर्स के लिए भी काफी अच्छा ये माइक होने वाला है, अगर आपके पास एक बूम आर्म है तो आप इसे बूम आर्म पे अटैच करके इसमें गेमिंग के साथ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें एक फंक्शनल यार म्यूट बटन देखने को मिलता है, काफी ईजी हो जाता है। यहाँ पे आपको जो गेन डायल है वो भी देखने को मिलता है, तो काफी एक अच्छा प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है, सो गेमर्स भी इसकी तरफ जा सकते हैं। सो एट द एंड में पूछना चाहूंगा आपसे, आपको कैसा लगा वीडियो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और साथ ही साथ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर से मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां
वहाँ पे अवेलेबल देखने को मिल जाऊंगा। सो दिस वॉज द रिव्यू ऑफ मियोनो AU903। सो और साथ ही साथ आप इसे फेरी भी कर सकते हैं, इसका अलग नाम जो है। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, गुड बाय। दिस इज हर्षित एंड यू आर वॉचिंग टेक न्यूज़। दोस्तों टेक केयर एंड गुड बाय, एंड थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।